बार है तो आपको सारा ड्रिल पता है, चाय का कप वगैरह एवरीथिंग इज इन हाँ प्लेस। मतलब फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मैं सेकंड टाइम आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपके शो पे हूँ फिर से। आई एम रियली 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 थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मतलब पता ही है आपको। हाँ मिला देती हो समथिंग। हाँ विशाल यू आर वेरी वेरी स्वीट। तो विशाल पहले तो ये बताओ वेयर इज योर गिटार राइट नाउ? आई कैन सी दैट यू आर एट होम। गिटार कहाँ पे है? इज इट क्लोज क्लोज टू यू? गिटार आ जाएगा जब उसकी बारी आएगी तो शायद वो क्लोज आ जाए। बट यू आर जस्ट बैक फ्रॉम खतरों। कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई मीन जब यू नो ऑब्वियसली यू एग्जिटेड द शो एंड देन द मेकर्स रिलीज द प्रोमो दैट विशाल इज गोइंग टू कम बैक, जो क्रेज था आपके फॉलोअर्स और आपके फैंस में, दैट इज पैल्पेबल यार। मतलब उतना फैन फॉलोइंग, और जितने लोग हम अभी देख रहे हैं, दे ओवर 3,000 पीपल आर वॉचिंग इट। मतलब वो पागलों की तरह इंतजार कर रहे थे कि विशाल कब आएंगे खतरों पे वापस। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो आपने पूछा सबसे पहले कि शो का एक्सपीरियंस क्या था। हमेशा से बोलते आ रहा हूँ बहुत एंजॉय किया है ये शो, अमेजिंग शो है। ये एक ऐसा थ्रिल है, एक लाइफ में क्या होता है ना, कुछ खुशियां ऐसी होती है जिसको आप ढूंढते नहीं हो लेकिन वो आपको मिल जाती है, और जब आपको वो मिलती है तो आपके पास लफ्ज नहीं होता उन खुशियों को बयां करने के लिए। तो ये शो मेरे लिए वैसा रहा, कभी नहीं सोचा था कि मतलब खतरों खिलाड़ी करूंगा, या दिमाग में था कि कभी करूंगा लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं था कि मतलब करूंगा। और जब ये ऑफर मिला मुझे करने के लिए तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बोला यस मैं बस ये शो कर रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सिंपली सिर्फ एक ही बात बोली कि हाँ मैं ये शो कर रहा हूँ। और जब मैंने ये शो किया और वो जो खुशी मिली है मुझे ये शो करके, आई मीन बयां नहीं कर सकता यार। ये सारी चीजें करने के लिए आपको लाइफ टाइम में ना 20 फिल्में लगेंगी कम से कम, जितना भी एक्शन किया हम लोगों ने। ये पूरे 20 फिल्म का निचोड़ है जो हमने मैंने एक शो में ही कर लिया। बहुत ब्लेस्ड हूँ कि ऐसी टीम मिली, ऐसा शो मिला, रोहित सर मिले जिनके साथ काम करके इतना मजा आया है। एक तो वो एक्शन डायरेक्टर, ऊपर से उनके साथ एक्शन करने का एक अलग ही मजा आ रहा था। आप अगर पैसे भी दोगे ना कहीं दुनिया में तो आपको ऐसा मजा नहीं आने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ दे देता बोलता हूँ। लव्स बया यही कर रहे हैं कि बहुत ही थ्रिलिंग था, बहुत ही एक्साइटमेंट था, एडवेंचरस था, और साथ ही साथ बहुत ही बेस्ट चीज जो सीखने वाली थी वहां से कि जीत और हार के ऊपर एक चीज होती है लाइफ में, बस कर जाना और करते रहना, वो मैंने वहां से सीख। इंसान That's हार कर really कुछ भी करता lovely. है तो इंसान कुछ भी करता है तो सोचता है कि यार हम जीते सक्सेसफुल हो या फिर अनसक्सेस हो गए तो मतलब उसमें फिर से कोई कमी ढूंढो या खामी, लेकिन नहीं, इस शो ने बताया कि ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें फिर से एक मौका देगी जिंदगी, जैसे ये शो देता है आप लोगों को, अगर आप फिर से वहां पे अच्छा करते हो तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, ये सीखा मैंने ये शो। आपको आप विशाल आप अगर ये क्या ये आप कहोगे कि दिस शो केम टू यू एट अ टाइम जब आपको प्रॉबली यू वर नॉट इन दैट मेंटल स्पेस, जब आपको जरूरत थी इसकी? मैं इसकी बात नहीं कह रही हूँ कि करियर वाइज जरूरत थी, बट यू जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट टू पीपल ऑल्सो, बिकॉज इतना कुछ लिखा जा रहा था आपके बारे में। यू हैड जस्ट कम आउट ऑफ अ रियलिटी शो एंड सो मच वॉज बींग सेड। तो एक होता है ना कि आपको कहीं ना कहीं जवाब देना है, बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ दैट रियलिटी शो, वहां भी आपको देखा गया। अब इसको एक नई लाइट में आपको देखा जा रहा है, बिकॉज दिस इज यू यू इंडिविजुअली टेकिंग ऑन टास्क, टेकिंग ऑन स्टंट्स एंड एवरीथिंग। वहां पे आप घर वालों के साथ यू नो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकते। सो आपको आपको लगता है ये टाइमिंग बहुत अच्छा था कि खतरों आया आपकी लाइफ में? सी टाइमिंग तो बहुत अच्छी थी, ट्रस्ट मी। और जो आप बोल रहे हो कि प्रूफ करना था या कुछ, मुझे सच में लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं है ना किसी और को कुछ भी प्रूफ करने का। जो बिग बॉस में हुआ उसको मैंने खुद से दिल पे लगा लिया। मुझे बाहर में दुनिया नहीं बोल रही थी कुछ भी, मुझे बहुत अच्छे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आ रहे थे। तुमसे भी बात हुई तो मतलब तुमने कहा कि नहीं अच्छा लगा जो भी था जैसे भी था, बट मुझे पता था कि आई वॉज मोर केपेबल ऑफ, लेकिन वो नहीं हो पाया उस शो में। तो मुझे खुद को ये प्रूफ इसलिए करना था कि मैं एक्चुअली में बहुत एक जो भी दौर था उस दौर में उधर रहा था, और फिर मुझे अपने लाइफ मुझे खुद के लिए खुशी चाहिए थी, एक ऐसा पुश चाहिए था जिससे मैं फिर से उस मोड में आ जाऊं कि मैं विशालदित्य सिंह हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा लाइफ में। तो दैट्स वाई मैंने ये शो चूज किया था कि मैं एक ऐसा फिर से एक शो करने जा रहा हूं जिसमें फिर से मुझे रियलिटी शो होंगे, लोग होंगे, बाकी की चीजें होंगी, ये भी डर होता है, लेकिन मैं उस डर के ऊपर ये था कि
कि मुझे सिर्फ अकेले पार्टिसिपेट करना है, मैं अपने एक्शन के जिम्मेदार खुद रहूंगा. तो दैट्स व्हाई मैंने वो किया. और थैंकफुली मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सही डिसीजन था उस समय, क्योंकि जैसा शो किया मैंने, जैसा रिजल्ट आ रहा है, जैसे लोगों का प्यार आ रहा है, एक्चुअली बहुत खुशी मिलती है जब आपको प्यार मिलता है लोगों से.